गाइस, इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है कि कम टाइम में ज़्यादा डिटेल कैसे देखें। ये सिर्फ इसी एक्सरसाइज से गाइस आप सीख सकते हैं। गाइस, अभी मैं पार्क में हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे लाइव स्केचिंग होता है, रैपिड स्केचिंग कैसे होता है। पार्क में जैसा आपको पता है, लोग मूव होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, कोई भी स्टडी नहीं होता। मतलब कोई एक पोजीशन पे है और 10 सेकंड बाद वो दूसरे पोजीशन पे हो जाता है। उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मेरे साथ एक सर हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो बिल्कुल रैपिडली बनाते हैं। और देखिए, ये जो हमारा मॉडल था, अब ये मूव होने लगे हैं। हम इन लोगों को बना रहे थे जो कि झुंड में खड़े थे, तो कैसे इन्होंने बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल 10 सेकंड में इसको रैपिड स्केच करके कंबाइन कर दिया। तो इसे कहते हैं बेसिकली रैपिड स्केच। मैं ये बस डेमो दिखा रहा हूँ कि आखिर होता क्या है रैपिड स्केचिंग, जो कि पब्लिक प्लेसेस में किया जाता है। ये एक्सरसाइज गाइस आप स्टेशन में भी कर सकते हैं, जहाँ भी पब्लिक स्पेस होता है, जहाँ जैसे कि कोई रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं गाइस। और गाइस, आप देखेंगे कि वो मॉडल वहाँ से चले गए हैं, वो लोग जो थे वो वहाँ से चले गए हैं, तो उस ड्राइंग को बस इन्होंने वहीं पर रैप अप कर दिया है। थोड़ा खुद से एनाटॉमी की नॉलेज से उस ड्राइंग को कंप्लीट करने का कोशिश किया है गाइस इन्होंने। गाइस, आप रियलिस्टिक ड्राइंग जितना ही बना लो, बट अगर आप रैपिड स्केचिंग नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल कम डिटेलिंग के साथ इस ड्राइंग को बनाया जाता है गाइस। बस हमें वो कैरेक्टर लेके आना होता है, जैसे वो किस पोज में खड़ा है, या फिर जो भी लेडी है वो किस पोज में खड़ी है, उनका हैंड जेस्चर कैसा है। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है और यहाँ पे बनाना कितना मुश्किल है। यहाँ पे आसपास इतने सारे लोग हैं और ये कंटिन्यूसली सब्जेक्ट हमारा मूव हो रहा है। हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो स्टेशनरी नहीं है, वो सब कुछ मूव हो रहा है। उस मूविंग सब्जेक्ट को बनाना और कैप्चर करना कितना गाइस, आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा पेज भर दिया, कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ा इन्होंने। तो आपको ये बिल्कुल फिलअप करना होता है और बिल्कुल फास्ट करना होता है। गाइस, आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रिबलिंग कर रहे हैं पेपर पर, स्क्रिबलिंग प्रैक्टिस के साथ, और बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं। और दिन में गाइस आपको एक घंटा करने का जरूरत नहीं है, इसे बस 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट आप करेंगे, आपका हाथ बिल्कुल खुल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइस इन्होंने इस भीड़ को, इस क्राउड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ये पार्क के सीनरी को बिल्कुल रैपिडली पेपर पे उतारने का कोशिश कर रहे हैं, और हर एक डिटेल्स को, लोग कैसे हैं, उनका पोस्चर कैसे है, कैसे बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं गाइस। गाइस, इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है कि कम टाइम में ज़्यादा डिटेल कैसे देखें। ये सिर्फ इसी एक्सरसाइज से गाइस आप सीख सकते हैं।